सो वैसे अभी हमारे पास एक फोन आया है वीवो का, और ये है वीवो का Y53 मॉडल। यहाँ पे देख सकते हैं इसमें 62 लॉक लगा हुआ है, और यहाँ पे इसका आइडियल पॉइंट है ठीक, इसका जो बटन होता है उसका पत्ता जो होता है उसके ऊपर इसका आइडियल पॉइंट है। तो इसके आइडियल पॉइंट के ऊपर एक प्लास्टिक लगी होती है पीले कलर की टेप, उसको हम निकाल लेते हैं और इसके बाद आइडियल पॉइंट से शॉर्ट करके हम इसको कनेक्ट करेंगे कंप्यूटर से और इसको अनलॉक करेंगे। यहाँ पे हम टूल यूज कर रहे हैं UMT, और UMT में हम क्रिसीफायर का यूज कर रहे हैं क्योंकि ये क्वालकॉम CPU वाला फोन है, और वीवो की नई सिक्योरिटी सभी फोनों में आ रही है। और इस फोन में भी एक दिक्कत है कि ये फोन हार्ड रिसेट नहीं होता है, हार्ड रिसेट करते समय पासवर्ड मांगता है, तो ऐसे में हमें इसे अपने टूल से ही अनलॉक करना पड़ेगा, आप हाथ से अनलॉक तो कर ही नहीं सकते हो। तो यहाँ पे फटाफट से हम क्या करते हैं, इस फोन को एक बार स्विच ऑफ करके चालू कर लेते हैं। एंड यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास UMT का क्रिसीफायर इसका वर्जन है 8.7, जो कि लेटेस्ट वर्जन हम यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे मॉडल वगैरह सेलेक्ट कर लेते हैं वीवो, और यहाँ पे देख सकते हैं ये रहा Y53। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, वीवो फॉर्मेट FS पे क्लिक करके एग्जीक्यूट कर देंगे, देन ओके। अब हमारा फोन यहाँ पे बोलेगा कि कृपया एडियल पॉइंट को या फिर वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन दबा के केबल लगाइए। तो यहाँ पे रियलमी के जितने फोन होते हैं जिनमें क्वालकॉम CPU उनको हमें वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन दबाना पड़ता है, मतलब जिन फोनों में एडियल पॉइंट नहीं है उनके लिए ये मेथड है। तो यहाँ पे एडियल पॉइंट दिया हुआ है तो हम एडियल पॉइंट को शॉर्ट करेंगे और यहाँ पे केबल लगा देंगे। तो यहाँ पे इसका केबल लगाने के बाद एक कनेक्ट नहीं हुआ, हो सकता है हमारा एडियल पॉइंट अच्छे से शॉर्ट ना हुआ हो या फिर केबल प्रॉपर कनेक्ट ना हुआ हो। ऐसे में कई बार क्या होता है कि हमारा पोर्ट भी सही नहीं रहता है, तो पोर्ट खराब होने की वजह से भी ये दिक्कत आ जाती है। तो पोर्ट को आप लोग कृपया क्लीन कर ले पहले, उसके बाद ही इसको यूज करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम इसको यहाँ पे लगाएं और यहाँ पे फोन हमारा पोर्ट बना लिया और फोन कनेक्ट हो चुका है। अब देखते हैं कि हमारा फोन अनलॉक होता है कि नहीं होता है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे एरर आ गया, ये हैंड सैंकिंग एरर है। इसका मतलब ये होता है कि आपका फोन जो है वो आपने अनलॉकिंग वगैरह सब कुछ सही किया, बट यहाँ पे हिल गया, मतलब पोर्ट अच्छे से कनेक्ट नहीं हुआ है, कनेक्ट होकर तुरंत छोड़ दिया, इसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। ऐसे कंडीशन में आपको फिर से बैटरी पिन निकालना है और वापस से फोन का बैटरी लगा कर फिर दोबारा कनेक्ट करना है। तो ये तरीका जो होता है, यहाँ पे देखिए ये फोन इसका पोर्ट जो है बुरी तरह से खराब हो चुका है, कनेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है ऐसे छोड़ रहा है, कनेक्ट कर रहा है ऐसे बार बार दिक्कत कर रहा है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, पोर्ट को चेंज ही कर लेना तो ज़्यादा अच्छा है, बाकी अगर आपका फोन कनेक्ट नहीं हो रहा है तो ऐसा करना है। यहाँ पे देख सकते हैं सेंडिंग लोडर एरर आ गया, मतलब कि ये जो टूल है इसमें अब हम इसका दूसरा मेथड यूज करेंगे वीवो FS एंड FRP पे क्लिक करके देखते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है हमारा फोन जो है फॉर्मेट FS से एग्जीक्यूट करने पे वर्क नहीं करता है। तो वीवो FS एंड FRP पे हम एक बार ट्राई कर लेते हैं हमारा फोन होता है कि नहीं होता है, इसके बाद ये फोन अगर नहीं होगा तो हम दूसरा टूल ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा फेल्ड हो गया, बट कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा हम ट्राई कर लेते हैं। तो ये रहा वीवो फॉर्मेट FS एंड इस पर एग्जीक्यूट कर लेते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं शॉर्ट करके केबल आगे कि हमारा फ़ोन अनलॉक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आपको ये जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ ध्यान से देखना है और एकदम प्रॉपरली जिस तरह से मैं बता रहा हूँ वैसे ही फॉलो करना है। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे फ़ोन हमारा फिर से कनेक्ट हो गया है, और कनेक्ट होने के बाद से इस बार देखते हैं हमारा फ़ोन अनलॉक होता है कि नहीं होता है। तो जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वीडियो बनाने में हमने बहुत मेहनत की है, तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट जरूर करें। यहाँ पे देख सकते हैं फिर से हैंड सैंकिंग आ गया, मतलब हमारा पोर्ट अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, फोन को एक बार पोर्ट को अच्छे से क्लीन करना है किसी भी लिक्विड से, ब्रश लगा के साफ कर लीजिए और अपने जो केबल है उसको भी साफ कर लीजिए। एंड यहाँ पे फिर से हम ट्राई करके देखते हैं, यहाँ पे ये S का ऑप्शन पूछता है, मतलब ये पूछता है कि आप इसका फ्रेमवेयर जो है उसको रीड करके रखना चाहते हैं कि नहीं सिक्योरिटी के पर्पज से। तो अभी देखिए फिर से ये फोन कनेक्ट हो गया है और यहाँ पे इस बार हमारा हैंड सैंकिंग ओके हो गया, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फिर से सेंडिंग लोडर जो है फेल्ड आ रहा है, मतलब कि ये जो वर्जन है इसमें आप जितना मर्जी ट्राई कर लीजिए। ये वीडियो मैंने बहुत काट छांट के बनाया है, मैंने इस टूल में हर तरीके से प्रोसेस ट्राई किया था, बट ये टूल जो है ये अनलॉक नहीं कर पाया, मतलब इस टूल के अंदर कोई मॉडल ये जो है ये बहुत पुराना मॉडल है हालांकि, लेकिन ये सपोर्ट नहीं किया और ये अनलॉक नहीं हुआ। हमने पूरी तरह से सारी चीज़ों को ट्राई कर लिया, हर तरह से ट्राई करके थक गया, बट ये नहीं हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम इसको यूज नहीं करेंगे, अब हम यूज करेंगे पुराना वर्जन जो कि आपके पास हो, सबसे बेस्ट है 6.8 वर्जन, बाकी आप जो भी ट्राई कर सकते हैं कर लीजिए। तो 6.8 वाला वर्जन हमारे में से इसमें से उड़ गया है फोन में से, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम कोई और वर्जन 7.4 पे यूज कर लेते हैं, ये रहा हमारा वर्जन, इसको हम कर लेंगे फटाफट से इंस्टॉल। और यहाँ से अब हम देखते हैं कि हमारा फोन जो है अनलॉक होता है कि नहीं होता है, क्योंकि ये पुराना काफ़ी पुराना वर्जन है, अभी 8.7 चल रहा है और ये 7.4 है, मतलब कि काफ़ी पुराना वर्जन है और इसमें वीवो प्रॉपरली अनलॉक हो जाना चाहिए। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बहुत सारे वीडियो में बताया है कि अगर आपका फ़ोन में ऐसा दिक्कत आ रहा है, आपका फ़ोन किसी नॉर्मल वर्जन से अनलॉक नहीं हो पा रहा, तो पुराने वर्जन को ट्राई कर सकते हैं MediaTek और क्वालकॉम में, खास तौर पे क्वालकॉम में तो ज़्यादा ये प्रॉब्लम आती है, जितने भी पुराने फ़ोन हैं उनमें थोड़ा सा अनलॉकिंग की दिक्कत आती है। बाकी अगर नए फ़ोन में भी इस तरह की दिक्कत आती हो तो आप लोग उसको मतलब वो चेक कर सकते हैं, वो ट्राई करके देख सकते हैं। तो ये टूल फटाफट से इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉल हो जाएगा, इसके बाद में आगे का प्रोसेस आप सभी लोगों को बताऊंगा।
तो इसको इंस्टॉल हो जाने देते हैं। जब तक आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की वीडियो देखने कराने के लिए। आपको मोबाइल सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगी। हर तरह के फ़ोनों की अनलॉकिंग यानी कि टूल की जो भी यूजिंग है वो सब, और आपका पंचिंग से रिलेटेड, ग्लास चेंजिंग, रिप्लेसमेंट, टच रिलेटेड सब कुछ वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो आप लोग को विजिट करके अपने चैनल को देखते जाइए क्या क्या वीडियो हमारे चैनल पर है, काफ़ी कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। तो अभी इसका इंस्टॉलिंग कम्प्लीट लगभग हो चुका है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। और अब हम इसको ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद आपको बताऊँगा कि किस तरह से हमें इस टूल को यूज करके और यहाँ पे इस फ़ोन को अनलॉक करना है। तो ये हमने कर लिया फटाफट से ओपन, और यहाँ पे ये देख सकते हैं ओपन होने में थोड़ा समय लेता है किसी फायर, क्योंकि काफ़ी बड़ा टूल है ये, तो थोड़ा सा समय हमें देना पड़ता है। तो हम थोड़ी देर वेट कर लेते हैं और जैसे ये टूल ओपन होगा इसके बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस बताऊंगा। सेम प्रोसेस है हालांकि, जैसे आपने पहले टूल में किया था वही प्रोसेस आजमाना है। और इसमें क्या है, सेंडिंग लोडर का जो प्रॉब्लम आती है मुझे लगता है कि जो इसकी फाइल होती है, जैसे आप किसी फायर जब आप इंस्टॉल करते हो तो इसमें बहुत सारी इसकी एक फाइल बनती है सी ड्राइव में, और सी ड्राइव में फाइलों में ही सेंडिंग लोडर की फाइल होती है, जो जितने भी मॉडल उसमें सपोर्टेड होते हैं उन सभी की फाइलें मौजूद होती हैं। तो जैसे जैसे कंपनी अपडेट देती है वैसे वैसे हो सकता है कुछ कुछ मॉडल की जो फाइल है वो कंपनी शायद इस टूल में देना बंद कर दे या फिर हटा दे। इसकी वजह से क्या होता है कि वो जो टूल है उसका फ्लैशिंग अनलॉकिंग करते समय उसमें आपको फाइल नहीं मिलती है, तो वो सेंडिंग लोडर का एरर आता है। बाकी अगर आप किसी पुराने वर्जन से कर रहे हो तो उसमें फाइल मौजूद होगी, इसलिए सेंडिंग लोडर का तो देख सकते हैं आप एरर यहाँ पे नहीं आ रहा। सेंडिंग लोडर देखिए यहाँ पे डन हो गया है, और यहाँ पे एग्जेक्टिंग लोडर भी ओके हो गया, मतलब कि इस टूल से हमारा फ़ोन जो है वो अनलॉक हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे आगे बढ़ चुका है, EMMC वगैरह सब कुछ ओके दिखा रहा है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे, ये देख सकते हैं फॉरवर्ड डन, मेन हमारा यही था लेकिन दिखाते कि यहाँ पे डन हो गया, मतलब अब हमारे फ़ोन में कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सा ओपन करना है और यहाँ पे ऑन कर लेना है। तो ये वीडियो बनाने का मेन मकसद यही था, क्योंकि देखिए किसी फायर और UMD का जैसे टूल है बहुत सारे लोग चलाना जानते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं उनको तो ये समझ ही नहीं है कि मैं वीडियो में क्या बता रहा हूँ, क्योंकि जिनको UMD चलाने आता है उनको ये सब पता है। बट ये वीडियो बनाने का मेन मकसद यही था कि अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, आप अनलॉकिंग करके थक जा रहे हो, और जिनको नहीं पता है इसके बारे में कि पुराना वर्जन में हो जाता है नए वर्जन से अगर प्रॉब्लम आती है, तो आप लोगों को यही चीज़ बताना था कि अगर आपके साथ बेसिक प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग पुराने वर्जन के ऊपर इंस्टॉल करके और ये काम अपना आसानी से कर सकते हो। बात तो यहाँ पे हमने फ़ोन को चूँकि फॉर्मेट किया है तो ये फ़ोन खोलने में थोड़ा समय लेगा, तो जब तक हमें वेट करना है और काफ़ी ज़्यादा ये फ़ोन बहुत ज़्यादा समय लेता है, तो हमने वीडियो को बहुत ही ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, मतलब कि ये जो वीडियो थी यहाँ पे ये फ़ोन जो खुलने में समय लेता है, किसी किसी वीवो कोई कोई ऐसा फ़ोन है जो ज़्यादा ही समय लेता है, तो हमने वीडियो को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड किया है तो आपका समय जाके कम से कम लगे और हमारा काम आसानी से हो सके, इसलिए हमने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड किया है। तो जैसे ये फ़ोन खुलेगा, जैसे आप नया फ़ोन लेते हो उसका सेटअप करते हो, वैसे इसका हम फटाफट से सेटअप कर लेंगे और हमारा फ़ोन नॉर्मली ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा हमको वेट करना ही पड़ेगा, बिना वेट किए ये फ़ोन ऑन नहीं होगा, क्योंकि हमने वीडियो बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड किया है तो हमें कम वेट करना पड़ेगा। बट आप अगर फ़ोन अनलॉकिंग किए हो तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा देर तक रुकना पड़ सकता है। हालांकि हमारा पासवर्ड FRP अनलॉक हो चुका है, हमें कुछ नहीं करना, बस सिंपल सा सेटअप करना है, बट आपको ये चीज़ दिखाना जरूरी है क्योंकि आप लोग बोलोगे कहीं फेक वीडियो तो नहीं बना रहे हैं। तो आप लोग को एक चीज़ मैं क्लियरली बता देना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पर कोई भी फेक वीडियो नहीं बनती है। तो आप देख सकते हैं फ़ोन हो चुका है ऑन, अब फटाफट से इसको स्किप नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाएंगे और हमारा सारा सेटअप कंप्लीट कर लेंगे। तो मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।